ये देखिए, ये गाड़ी स्टार्ट है, ये गाड़ी जा रही है। बाइक से मैं बता दूँ, ये देखिए गाड़ी की आरपीएम। भाई जान, गाड़ी आप चला के आए, ठीक है गाड़ी? ठीक है गाड़ी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आरपीएम बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सेट है गाड़ी, ठीक है साड़ी। ओके ओके, अल्लाह। ये भाई रहने वाले सियालकोट हैं, लाहौर में जॉब करते हैं, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर रफानी ऑटो लाहौर से। कल्टस मेरे पास आई है गाड़ी, इसका मैंने ये कारपेट करना, इसका मेरे पास आई है, इसका कारपेट मैंने करना है। इसका ना आरपीएम प्रॉब्लम है, तो दूसरे नंबर ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही गाड़ी है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है गाड़ी। उसके अलावा जब एसी चलाते हैं ना, तो गाड़ी स्लो में बंद हो रही है। तो ये भाई ठोकर से आए मेरे पास, मेरा यूट्यूब चैनल देखे हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम इसी गाड़ी को खोलने लगे हैं। तो ये हम गाड़ी खोलने लगे हैं, खोलो मेरे साहब गाड़ी। आरपीएम इसका ख़राब है, और ये जो बटर फ्लैग है ये देखें, ये इसका स्क्रीन बता रहे उधर, लाइट सूरज की रोशनी पड़ी, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा। ये देखें इसके अंदर प्ले है, ये देखें यार इसका। कारपेट को सेट करना या इसको आपने सर्विस करना है या इसके जेट चेक करने हैं, ये इंजन का भी आपका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। इंजन आपका परफेक्ट सेट हो, अगर इंजन आपका थोड़ा सा वीक है या कमज़ोर है, तो फिर गाड़ी का पेट्रोल का जेट आपको थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा, वरना गाड़ी आपकी बैठ जाएगी, थोड़ी सी मिसिंग करेगी। उसको अपने जेटों भी मैं सेट करता हूँ, जेन्युइन कारपेट, जेन्युइन काम करता हूँ, क्योंकि जो भी भाई मेरा चैनल देख के आता है, इंशाल्लाह मैं उसको करके देता हूँ ठीक गाड़ी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कारपेट हर बंदा नहीं करता। हाँ जी, तो भाई मेरे पास ये बैठे हुए हैं सीट पर, मैं उनकी पिक्चर नहीं आपको लगा के दे रहा, इंशाल्लाह अभी खोलते हैं। कुर्सी पकड़ के ला रहा, इसका जेट ही बंद किया, देखें जेट बंद किया, इसके अंदर है और फोकस कर रहा है, आ रही पतली बिछा, बटरफ्लाई भी लगने वाली है, ये वाली ठीक है।
वो ब्रीक से आपको सलाह नजर आ रहा होगा इस तरफ इस तरफ। ये बुश भी लूज है इसका, ये खाली टिक्की नहीं लगानी आपने, खाली टिक्की लगाएंगे तो गाड़ी नहीं सही होनी, इसके अंदर बुश भी लगते हैं, ये बुश भी लगाने हैं आपने दोनों, ये वाला भी और ये वाला। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये इसका मेन जेट ही बंद किया हुआ है ये वाला, ये इसको पावर जेट बोलते हैं, जो स्लो में पेट्रोल दे रहा है इसको स्लो में, ये इसको किसी ने बंद किया हुआ है, दबा के ना इसका काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये देखें ये नीचे प्रेस कर दिया हुआ है, बंद कर दिया हुआ, ये देखें ये काम नहीं कर रहा अभी, इसको ठीक करेंगे। इस जेट का जो काम है वो ये वाला जो धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा आपको, ये वाला जो जेट है ना, ये वाला जेट इसके अंदर लगा हुआ है, ये वाला जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे ना थोड़ी सी रेस देंगे ये वाल ऊपर आ जाएगा और ये जेट बंद हो जाएगा। ये पहले किसी ने वाल बंद किया हुआ है, ये वाला बंद किया हुआ है, ये स्लो में पेट्रोल नहीं दे रहा, स्लो में पेट्रोल देगा वो स्लो जेट को, अब वो स्लो जेट को पेट्रोल ये मीडियम जेट दे रहा है, ये वाला जेट दे रहा है। और गाड़ी का गाड़ी जब भी एसी लगाते थे बंद हो जाती, गाड़ी वो कह रहे लॉन्ग पे ठीक थी लेकिन इसका पिकअप बहुत ज़्यादा कम था। जेट लगा हुआ 92 का, जेन्युइन जेट लगा हुआ इसको 92 का। ठीक है भाई, देखो उन्हें ना जेट ही बंद करता है, उनका काम ही खत्म करता है, उन्होंने ना बीच में फिक्स कर दिया इसको, कारपेट का पता ही नहीं, वो उसको चीज़ों को ना छेड़ के ना ख़राब करते हैं, सारा सिस्टम उसका बंद ही है, ये काम ही कोई नहीं है, क्या काम किया बंदे ने, बोला अपने स्टार्टिंग लगाते हैं, पता नहीं ये जेट का काम किया, तो गाड़ी पेट्रोल कम नहीं खाती बल्कि ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, ऐसी पेट्रोल ज़्यादा खा रही, जितने तो भाई मेरे पास चैनल देखे हैं ना सबकी गाड़ी के अंदर जीपो ग्रीफ आ रही है, जीपो ग्रीफ काम की है, ये मेन चीज़ ही उसने बंद कर दी है, स्लो में पेट्रोल लेता गाड़ी का सारा सत्यानाश कर दिया, मज़े ही ख़त्म कर दिया, बंद किया स्लो जेट लूज छोड़ा हुआ है, ये वाला जेट भी ये भी लूज़ किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब की हुई गाड़ी, चलो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। स्लो में ये बंद होती है अगर आपकी ड्राइविंग में करते हैं ना, हाँ स्लो 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 चलाई जा रहे आधे घंटे के लिए उसके बाद बंद हो रही है, वो बंद हो रही स्लो में प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, मतलब ठंडे ना तो तार मारनी है इस स्पीड को भी ना लाने तो बस तार आप पर मारनी है।
डिस्ट्रीब्यूटर का ना किसी भाई ने ना वैक्यूम पैप ही बंद कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर का वैक्यूम चेंजर से गाड़ी ने एडवांस होना है, ये देख रहे हैं, ये ब्रीस रहा, ये खोरे हम यही बंद कर दिया, पता नहीं उसने ये क्यों बंद किया है। खोल रहा ना स्लेवर ब्रीक बना हो रही, स्लेवर बना के ना मैं खोल रहा, सुराख बंद नहीं होना चाहिए, ये सुराख ये देख रहे हैं, ये सारे सुराखों से एयर गुजरती है, ये वाला जो मिक्सर ना, ये कभी नहीं आपने छेड़ना, इसको कभी नहीं छेड़ना, अगर इसको छेड़ दिया ना आपकी गाड़ी स्लो में कभी खड़ी नहीं हो सकती, इसके अंदर से हवा स्लो जेट को मिलेगी इसके अंदर से। नजदीक दिखा ये इसके अंदर, ये देखें ये वाला इसके अंदर ना ये सुराख, ये देखें ये इसको इधर से और इधर से सारी हवा गुजरनी, चेक करना आपने, ये वाला पावर जेट को ऊपर नीचे काम करने के लिए ये सुराख है, ये वाला पावर जेट इस तरीके से काम करता है जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला ये ऐसे काम करता है, जेट वाली डब्बी मंगवा आप, छोटा जेट 92 नंबर, बड़ा जेट 153, क्या बड़ा जेट 153। आप ये जेट की वाशर नहीं ना रखेंगे तो गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा हो जाएगा जेट के अंदर, अगर वाशर रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, वाशर निकाल देंगे तो पेट्रोल ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा, ये वाशर लाजमी लगानी है इसका, 153 का जेट है।
आपने ये बटरफ्लैग नहीं लगाई है, नजर आ रही है? ये एक्यूरेट है, ये देखो मेरे को खाली टिक्की नहीं, ये बुश भी लगाने, ये वाले और ये वाले, ये दोनों बुश ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बड़ी लगाने की जरूरत नहीं होती, बस एक ही लगाया अगर अगर जरूरत है तो लगाया। इसका अपना प्लंजर चेक कर लीजिए, देखिए नीचे प्लंजर काम कर रहा है। चेक कर लें, चलो उठाओ एयर फिटिंग करो, रात होगी हुई है, ये गाड़ी खड़ी है, ये सफेद रंग है। फिटिंग हो गई अभी इंशाल्लाह, टाइम तकरीबन इस वक्त मेरे 7 का टाइम हो गया, अभी गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, फिटिंग कर यार खाद रहा। ये देखें गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, ईशा की जाने हो रही है, रात हो गई, इसका पास ही दे रहे हैं।
बिल्कुल गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। अल्टस का बड़ा बुरा हाल था, वैकम के पैप, ये वाला पैप बंद किया हुआ था, ये वाला मैंने अब इसको ऑन किया है, ये पैप लगा के पीछे वाले पैप सारे गलत लगे हुए थे, सारी सेटिंग की है मैंने। कारपेट के अंदर भी मैंने आपको बता दिया जेटों के बारे में, अब इसका मैं मिक्सर करने लगा हूँ, मतलब फट यार मैं इसका मिक्सर कर रहा हूँ। तो कैमरा आगे कर रहा है, गाड़ी कामना शुरू हो गई है, देखने सारी गाड़ी काम रही, देखने गाड़ी काम रही आपको नजर आ रही होगी, ये गाड़ी मिक्सर मार रही है, ये देखने काम रही गाड़ी। अब मैं मिक्सर खोलूँगा इसका, ये देखने ये मैंने इसका एक राउंड खोला है, सिर्फ आपने दो राउंड खोले मिक्सर के, ज़्यादा मिक्सर नहीं खोलना, ठीक है, बिल्कुल ओके हैं, पीछे सामने चेक करवाते हैं। थोड़ी सी एक्सीडेंट हो रही है, रेस दो हादसा बाहर से रहने दो, ये देखो कोई मिसिंग, कोई फक फक नहीं है, गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट है, सिलेंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है, भाईजान ये गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ओके, कोई मिसिंग कोई प्रॉब्लम, ये जेट का मैं आपको दिखाता हूँ जरा, पेट्रोल का आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल स्लो में पेट्रोल हल्का सेक्शन देंगे तो पेट्रोल आना शुरू होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ओके अल्लाह हाफ़िज़।